गुड इवनिंग क्लास एक बार जरा कंफर्म करेंगे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को चलिए जी गुड इवनिंग क्लास है ना आज हम एग्जैक्टली exactly स्टार्ट करने जा रहे हैं सी एस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट है ना सी एस एग्जीक्यूटिव मॉड्यल फर्स्ट अमेंडमेंट इन द प्योर लाइफ सेशन है ना तो चलिए स्टार्ट करें फिर सारे के सारे बच्चे तैयार हैं सी एस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट जब मॉड्यूल फर्स्ट बोल रहा हूँ इसका मतलब कंपनी लॉ जे आई जी एल एंड एस बी ई सी के अमेंडमेंट है ना तो सबसे पहले मैं आज क्लियर कर दूँ मैं दो अमेंडमेंट्स कराऊंगा आज आज सबसे पहले मैं कराऊँगा एस बी ई सी के अमेंडमेंट्स एंड द सेकेंड जे आई जी एल के अमेंडमेंट्स ये दो सब्जेक्ट के अमेंडमेंट में आज कवर करूंगा है ना तो चलिए फिर स्टार्ट करें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एस बी सी का है ना तो एस बी सी का बुक निकाल लीजिए आप लोग सबसे पहले एस बी सी का दोनों वॉल्यूम एस बी सी वॉल्यूम फर्स्ट एंड एस बी सी वॉल्यूम सेकेंड दोनों निकाल लीजिए सारे बच्चे गुड इवनिंग गुड इवनिंग बोल रहे हैं तो मेरे तरफ से भी आप सबों को गुड इवनिंग आज तो अमेंडमेंट वाला इवनिंग है है ना तो चलिए एस बी सी का बुक निकाल लिया आपने चलिए जी जैसा कि मैंने एग्जैक्टली exactly वादा किया था कि मैं सीधा आई सी एस आई के आ, वेबसाइट पर जाके देखो आई सी एस आई के वेबसाइट पर आ गए आई सी एस आई के वेबसाइट पर जब आएंगे तो हम डायरेक्ट सप्लीमेंट से करेंगे लाइन बाय लाइन है ना जिससे कि कुछ भी ना छूटे है ना तो देखो एकेडमिक पोर्टल में हम जाते हैं एकेडमिक पोर्टल में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे न्यू सिलेबस के अंदर जाएंगे न्यू सिलेबस में स्टडी मटेरियल के अंदर जाएंगे फिर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर जाएंगे और सबसे पहले हमें करना है किसका एस का ना तो एस का देखिए यहाँ पर सप्लीमेंट आ रहा है ये लो मैंने क्लिक कर दिया एस सप्लीमेंट फॉर दिसंबर ट्वेंटी एग्जामिनेशन अब मैं लाइन बाय लाइन पूरा कराऊंगा ठीक है तो सारे बच्चे तैयार हैं एग्जैक्टली exactly? मॉड्यूल फर्स्ट के सारे बच्चे तैयार हैं और जो सी एस प्रोफेशनल के बच्चे देख रहे हैं उनको भी फायदा आर सी डी एन सी आर में हो सकता है इस अमेंडमेंट से है ना तो चलिए सी एस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट एस बी सी अमेंडमेंट में स्टार्ट करता हूँ ठीक है चलिए जी सबसे पहले लेसन टू टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर निधि कंपनी के अंदर अमेंडमेंट है है ना अब चलो ध्यान से सुनते रहना ठीक है सबसे पहले मैं यहाँ एग्जैक्टली फोन पे आपके कमेंट देख रहा हूँ कोई परेशानी आए तो आप कमेंट में एक्जैक्टली exactly बताएंगे चलिए सबसे पहले देखो ये अमेंडमेंट थर्ड फ़रवरी 2020 का इसका मतलब दिसंबर में अप्लीकेबल है और ये कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं है जो पहले से फॉर्म चल रहे थे फॉर्म नंबर एन डी एच वन एन डी एच टू एंड एन डी एच थ्री इन्हीं तीनों फॉर्म का एग्जैक्टली न्यू फॉर्म्स आ गया एन डी एच वन दैट इज रिटर्न ऑफ स्टैचुरी कम्पलाइंसेज एन डी एच टू अप्लीकेशन फ़ॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड एन टी एच थ्री रिटर्न ऑफ़ निधि कंपनी फॉर द हाफ ईयर एंडेड आपको इस तीनों फॉर्म का पर्पस क्या होता है ये मालूम ही है क्योंकि आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब आपने निधि कंपनी वाला चैप्टर कर लिया होगा तो एन डी एच वन एन डी एच टू एंड एन डी एच थ्री इनके नए फॉर्मेट्स आए हैं और कुछ नहीं है ये ये अमेंडमेंट ज़्यादा उनको काम आएगा जो प्रोफेशनल हैं जो एन डी एच फॉर्म फाइल करते हैं बाकी जो सी एस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस यही है कि नए फॉर्म्स आ गए हैं उसके अंदर के थोड़े बहुत कंटेंट चेंज हुए होंगे बाकी पर्पज तो वही रहेगा तो ये कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं था बस ये याद रखना है कि ये तीनों फॉर्म के नए फॉर्मेट आ गए है ना? चलिए उसके बाद दूसरा दूसरा भी एग्जैक्टली निधि कंपनी से ही जुड़ा हुआ है है ना ये फोर्टीन फरवरी 2020 का है और मैं बताऊँ ये जो एग्जैक्टली exactly अमेंडमेंट है इस अमेंडमेंट का कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा चूँकि ये ट्रांजिशनरी प्रोविज़न है ट्रांजिशनरी का मतलब जब निधि निधि रूल्स आए 2020 में जब निधि रूल्स आए तो उस निधि रूल्स को कंप्लाई करने के लिए टाइम दिया गया पहले छः महीने का टाइम दिया गया था अब उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया नाइन मह नाइन मंथ्स कर दिया गया है ना तो उस केस में ये ट्रांजिशनरी प्रोविजंस हैं इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो, जो भी एग्जैक्टली exactly मंथ्स लिखे गए हैं वो मंथस अब खत्म हो चुके हैं वो टाइम पीरियड अब खत्म हो चुका है तो उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होने वाला है ठीक है अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना कि जिस दिन कमेंसमेंट हुआ निधि अमेंडमेंट रूल्स का देखो पंद्रह आठ दो है ना उससे उससे पहले कितना टाइम दिया गया था छः महीने अब कितना टाइम दे दिया गया नौ महीने तो अगर आप देखेंगे दो इस डेट से नौ महीने अगर गिनेंगे तो भी अब वो डेट निकल चुका है तो इसका कोई खास मतलब नहीं है तो इस अमेंडमेंट का भी कोई खास मतलब नहीं है जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली exactly, ये सब तो ट्रांजिशनरी हैं ये रूल्स आते हैं तो रूल्स को अप्लाई करने के लिए टाइम दिया जाता है अब टाइम में थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ और कुछ नहीं हुआ तो जहाँ छः महीना लिखा हुआ था वहाँ पर क्या हो गया एग्जैक्टली नौ महीने हो गए नाइन मंथ्स हो गए उसके बाद ये भी जो है निधि सेकेंड अमेंडमेंट रूल इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वही छः महीने को आपको हटा के क्या कर देना है नाइन मंथ कर देना है ये सब ऐसा कोई इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है दीज ऑल आर द ट्रांजिशनरी अमेंडमेंट्स है ना चलिए जी आ, अगर आप ये देखें हाँ ये जो है देखो नोटिफिकेशन नंबर कंपनी इन कॉरपोरेशन अमेंडमेंट रूल्स ट्वेंटी थर्ड फबरी टू थाउजेंड ट्वेंटी से आया ना ये जरा ध्यान से सुनना सारे बच्चे ठीक है देखिए ये वाला जो अमेंडमेंट है ना दिस अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस ठीक है न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस अगर आप लोग को याद हो तो आपने पढ़ा था कि अभी तक जो आप समझते हैं वो ये समझते हैं कि इनकॉर्पोरेशन हो रहा है थ्रू द प्रोसेस The first process is run and the second is spice, है ना आप जानते हैं यही है कंपनी को इनकॉरपोरेट करने का एग्जैक्टली exactly दो प्रोसेस होता है एक तो रन वाला नेम रिजर्वेशन के लिए क्या होता है रन और दूसरा कंपनी इनकॉरपोरेशन के लिए क्या होता है स्पाइस अब इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है, है ना अब रन को थोड़ा सा कमज़ोर किया गया है अब उसका ज़्यादा यूज़ नहीं रहा स्पाइस का ज़्यादा यूज़ कर दिया गया है स्पाइस प्लस के नाम से किसके नाम से स्पाइस प्लस स्पाइस प्लस के नाम से स्पाइस प्लस है ना तो ये जो पूरा का पूरा एक एग्जैक्टली exactly, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अमेंडमेंट कम कहो आ, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म ही हो गया एक नया प्रोसेस ही आ गया है इन कार्पोरेशन का तो इसके ऊपर मैं एक अलग से सेशन लूँगा अमेंडमेंट का अब बच्चे बोलेंगे कि सर दिसंबर अटेम्प्ट है आ, उतना हमारे पास टाइम नहीं है तो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं जैसे वेजडे को होता है ना एग्जैक्टली आठ वेजडे ना तो वेजडे को होता है मॉड्यूल फर्स्ट आज वेजडे नहीं एग्जैक्टली exactly मंडे होगा है ना तो आज हाँ मंडे मंडे तो आज मंडे तो मंडे को मॉड्यूल फर्स्ट का एग्जैक्टली exactly अमेंडमेंट होता है तो सर फिर अगले मंडे को तो सात दिन का टाइम हो जाएगा आप चिंता मत करो मैं कल ही इसके ऊपर अमेंडमेंट कराऊंगा और कल मैं अमेंडमेंट कराऊंगा रात आठ बजे है ना तो कल मैं एक स्पेशल अमेंडमेंट सेशन लूंगा ऑन न्यू इनकॉरपोरेशन प्रोसेस है ना जिसके अंदर मैं रन के बारे में बताऊंगा कि रन में क्या चेंजेज आ गए हैं स्पाइस प्लस के बारे में बात करूंगा और अजाइल प्रो के बारे में बात करूंगा अजाइल प्रो ठीक है तो कल रात आठ बजे सारे के सारे बच्चे तैयार रहना मैं सिर्फ एक अमेंडमेंट पढ़ाऊँ अमेंडमेंट का ही पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है मैं एक नया इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस पढ़ाऊंगा दैट इज रन रन का बहुत उतना काम नहीं रह गया मेन है स्पाइस प्लस एंड अजाइल प्रो पूरा एक नया इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कल पर आऊँगा ठीक है है ना तो इज़ इट ओके कि कल मैं कराऊँ उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को है ना तो कल अब मैं मैं चाहता हूँ कि अब जल्दी जल्दी मैं अमेंडमेंट कराऊँ और वो जो एग्जैक्टली exactly पंद्रह दिसंबर तक का है सेशन मैं उसको पहले ख़त्म कर लूँ काफ़ी पहले ख़त्म करना मैं चाह रहा हूँ कि 10 10 से भी पहले मैं जल्दी जल्दी एग्जैक्टली सेशन लेके आप लोग का सारा अमेंडमेंट करा दूँ है ना एग्जाम गाइडेंस भी कराने का सोच रहा हूँ ठीक है तो ये ठीक है ना तो एग्जैक्टली exactly, uh, कल मैं ये क्योंकि ये ये छोटा मोटा अमेंडमेंट नहीं अगर मैं ये अमेंडमेंट लेता इस पर अलग से लगभग पैंतालीस मिनट एक घंटे का टाइम लगेगा अब एक घंटे का टाइम मैं लगाता इसके ऊपर तो फिर बाकी अमेंडमेंट छूट जाते तो इसलिए मैंने एस में सारे अमेंडमेंट करा दूंगा माइनस इनकॉरपोरेशन प्रोसेस जो मैं कल कराऊंगा आठ बजे आप बाकी बच्चों को भी बता दीजिएगा वो भी कल आके पढ़ लेंगे है ना ठीक है जी चलिए जी तो ये तो किससे जुड़ा हुआ है कंपनीज इनकॉरपोरेशन अमेंडमेंट रूल वही है फिर देखो ये भी कंपनी इनकॉरपोरेशन रूल ये भी वही है है ना तो इस केस में अगर ये भी स्पाइस प्लस के ऊपर है तो ये सारे अमेंडमेंट मैं कराऊंगा कल कल रात आठ बजे मेरे नोट्स तैयार हैं बस उसको फाइनल टच दे के और फिर कल मैं एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन दे दूँगा आप लोगों को ठीक है चलिए जी अब आगे देखिए लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी इसके अंदर गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है है ना अब गवर्नमेंट कंपनी का जरा जल्दी बताओ सारे बच्चे को याद है कि नहीं याद है गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन किस सेक्शन के अंदर दिया गया है अब सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने तो हाईलाइट करके दिखाई दिया है तो सेक्शन टू क्लाज फोर्टी फ़ाइव एक बार सारे बच्चे टाइप करके दिखाओ है ना बताओ जल्दी से कि कौन से सेक्शन में गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड है है ना सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी फाइव चलो अमर सिंह ने लिख दिया सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी फाइव बाकी बच्चे है ना आप लिखते रहेंगे साथ साथ तो लगेगी लाइव क्लासेस चल रही हैं लेकिन आप लिखेंगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा हाँ तो सारे बच्चे लिख रहे हैं शिवानी जैन वंदिता त्रिपाठी आ, तेजस्व कुमार तनवी चौ तन्वी चौहान चो, ओंकार सिंह ये सारे बच्चे लिख रहे हैं सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी फाइव अब सुनो इसमें क्या एग्जैक्टली exactly अमेंडमेंट है इसमें अमेंडमेंट क्या है मैं सीधा बुक पे ही पहुंचा देता हूँ है ना एस बी सी फर्स्ट के अंदर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी मैं बुक यहाँ खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी उसको चेंज कर पाएँ गवर्नमेंट कंपनी ना देखो अभी आएगा देखिए यहां पे एग्जैक्टली गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन है सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी फाइव में है ना अब देखिए अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें क्या लिखा हुआ जरा देखो आप ये थोड़ा सा छोटा हो गया मुझे लग रहा है ना अब आपको साफ साफ दिखेगा देखिए यहाँ कहाँ पर एग्जैक्टली exactly अमेंडमेंट है तो सेक्शन टू क्लास फोर्टी फाइव के अंदर जो डेफिनेशन है उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर अमेंडमेंट है और एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ से है ना देखो एक्सप्लेनेशन है आप जानते हैं ना गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी वही कंपनी होती है जिसका 51 परसेंट या उससे ज़्यादा कैपिटल या तो एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया हुआ है या स्टेट गवर्नमेंट government, या गवर्नमेंट्स ने लिया हुआ है या दोनों ने मिलके लिया हुआ है तो 51 परसेंट किसका शेयर कैपिटल का है ना अब वही शेयर कैपिटल का एक्सप्लेनेशन है और एक्सप्लेनेशन क्या है वो देखो देखो यहाँ लिखा फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द पेड शेयर कैपिटल सेल बी कंस्ट्रक्टेड एट टोटल वोटिंग पावर मतलब अब अप शेयर कैपिटल का मतलब यहाँ पर क्या लिया जाएगा टोटल वोटिंग पावर तो आप ऐसे कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन फिफ्टी वन परसेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल को आप चाहो तो बोल दो टोटल वोटिंग पावर अच्छा लेकिन ये हमेशा ही पेड अप शेयर कैपिटल का नाम टोटल वोटिंग पावर होगा या सिर्फ ऐसे कंपनी में जिन्होंने डी वी आर इशू किया हुआ डी वी आर का मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट अब देखो डिफरेंशियल वोटिंग राइट अगर कंपनी ने इशू किया हुआ है तो वहाँ पे आप जानते हैं ना वोटिंग राइट right अलग मतलब अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स होंगे जिन पे वोटिंग राइट्स अलग अलग होंगे है ना तो वहाँ पेड अप शेयर कैपिटल वार्ड ना बोल के आप क्या बोल देंगे टोटल वोटिंग पावर बोल देंगे है ना तो गवर्नमेंट देखो ऐसे है तो गवर्नमेंट कंपनी के, में, के में, केस में गवर्नमेंट कंपनी के केस में पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा अगर कंपनी ने डी इश्यू नहीं किया हुआ है तो तो वहां पर वर्ड क्या चलेगा पेड ऑफ शेयर कैपिटल ही चलेगा बट इफ द कंपनी हैड इशूड द टी वी आर तो उस केस में वहां पर वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे आप पेड ऑफ शेयर कैपिटल या टोटल वोटिंग पावर टोटल वोटिंग पावर ठीक है <coughs> समझ में आ गया तो बस यही अमेंडमेंट है है ना तो ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसके अंदर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू किए गए हैं वहाँ अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या माना जाए टोटल वोटिंग पावर माना जाए अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट कंपनी ने इशू नहीं किया हुआ है तो फिर पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड इस्तेमाल कीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये चार्ट उतार लिया तुम लोगों ने अगर चार्ट उतार लिया तो मैं फिर आगे चलता हूँ है ना चलिए चलिए तो ये वाला एग्जैक्टली exactly हो गया आपका है ना उसके बाद आगे उसके बाद ये सेक्शन 188 एट्टी एट सब सेक्शन वन के फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो में कुछ चेंज है ज़रा बताओ सबसे पहले सेक्शन 188 क्या है अभी मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ सेक्शन 188 क्या है ऐसे भी जो एन के जे के स्टूडेंट्स हैं उनको तो सेक्शन 188 बहुत अच्छे से याद होगा जल्दी बताओ मैं चेक कर रहा हूँ आपके कमेंट सेक्शन 188 एटी एट के हाँ ये देखो धराधर बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है ना याद है ना आप लोग को ये देखो सारे बच्चे बोले वाह 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 तो वाह वाह करके मैंने पढ़ाया था एक्जैक्टली exactly, सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है ना चलिए जी तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वाले में क्या एग्जैक्टली exactly चेंज है वो मैं बताता हूँ अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए तो हमें डायरेक्टर चैप्टर में जाना पड़ेगा और डायरेक्टर चैप्टर हमारा है कंपनी लॉ वॉल्यूम सेकेंड कंपनी लॉ वॉल्यूम सेकेंड तो सारे के सारे बच्चे कंपनी लॉ वॉल्यूम सेकेंड अच्छा कुछ बच्चे ऐसे जो आउटसाइडर हैं और जिनको लग रहा है कि सर हमारे पास बुक नहीं है मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ एन के जे के वेबसाइट में जाइए डाउनलोड ऑप्शन में सारे बुक्स वहाँ फ्री में अवेलेबल हैं है ना तो कोरोना हेल्प के नाम पर हमने सारे अपने बुक्स अपने वेबसाइट पर फ्री में डाल दिया था तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है चलिए जी सेक्शन 188 पे पहुंचते हैं और देखते हैं क्या अमेंडमेंट है सेक्शन 188, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है ना देखो सेक्शन 188 एटी सब सेक्शन वन में ही बोला गया ना कि ऐसे ट्रांजेक्शन अगर आप करेंगे तो उस केस में पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या लेना पड़ेगा एग्जैक्टली exactly? कंसेंट लेना पड़ेगा है ना उसी में यहाँ पे एक प्रोविज़ो जोड़ा रहा है और वो क्या है वो देखिए देखो यहाँ लिखा हुआ है द फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन वन एटी एट सबसेक्शन वन अब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि फ़र्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो क्या है ये देखो पहला प्रोविजो ये है ना जहाँ पर आ, क्या कहा गया था कि अगर आप लिमिट पार करते हैं है ना सबसे पहले ये देखो ना लिमिट जो रूल्स के अंदर है ना रूल्स के अंदर जो लिमिट्स हैं अगर उसको पार करते हैं या पेड पेडव शेयर कैपिटल का लिमिट है उसको अगर आप पार करते हैं तो उस केस में बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ साथ शेयर होल्डर का भी रेजोल्यूशन दैट इज ऑर्डनरी रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा है ना दूसरा बाकी यहाँ लिखा हुआ था कि जो इंटरेस्टेड मेंबर है वो उस ओ आर के अंदर वोटिंग नहीं करेगा है ना ये सब आपको अमेंडमेंट तब याद आएगा जब अमेंडमेंट तब समझ में आएगा जब आपने 188 अच्छे ढंग से किया है है ना तो उस केस में याद रखिएगा कि ये दो प्रोविज़न मतलब शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने वाला जो एग्जैक्टली exactly प्रोविज़न है और शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन में जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो वोट नहीं करेगा ये वाला जो प्रोविजो है ये कुछ कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा और वो कौन कौन सी कंपनीज है वो देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा है ना लेकिन गवर्नमेंट कंपनी वो पूरे तरीके से या गवर्नमेंट कंपनी 188 वाले ट्रांजैक्शन दूसरे गवर्नमेंट कंपनी से कर रही है तब तो एक गवर्नमेंट कंपनी दूसरे गवर्नमेंट कंपनी के साथ सेक्शन 188 एटी सब सेक्शन वन वाले ट्रांजेक्शन कर रही है तो वहाँ लिमिट पार कर भी जाए फिर भी उनको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है इसमें कुछ नया जोड़ दिया गया है और जो नया जुटा है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ या इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है 188 वाला तो उस केस में भी फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो अप्लाई नहीं होगा है ना तो यही मेन अमेंडमेंट है अगर देखा जाए तो बाकी तो वो पुराना वाला ही है इसका मतलब देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी यहां पे जोड़ दिया गया है ठीक है तो ये है सेक्शन 188 के अंदर आ, तो इसका मतलब सेक्शन 188 के प्रोविजो में जो एग्जेम जो एग्जैक्टली exactly एग्जेपन है एग्जेम्पन अब अगर गवर्नमेंट कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वहाँ पे भी एग्जेम्पन वैलिड होगा वहाँ भी शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है ठीक है अब देखिए यहाँ इम्पैक्ट भी आई ने लिखा ही है देखो लिखा ना बिफोर दिस अमेंडमेंट द कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट विथ एनी अदर गवर्नमेंट इज ओनली एक्जेंप्टेड लेकिन अमेंडमेंट के बाद इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी कम्बिनेशन देयर ऑफ है ना तो इसका मतलब एग्जम्शन का दायरा बढ़ा दिया गया है अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी जो गवर्नमेंट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो भी सेक्शन 188 फर्स्ट प्रोविजन सेकंड प्रोविजन से क्या है एग्जमटेड है ठीक है तो ये था एग्जैक्टली अमेंडमेंट सेक्शन 188 से जुड़ा हुआ ठीक चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये एस बी सी है, है ना इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो फिर से वही निधि कंपनी वाले अमेंडमेंट्स हैं जो सब के सब देखा जाए तो ट्रांजिशनरी हैं इन सब का कोई मतलब नहीं है अब बाकी निधि कंपनी से जुड़े हुए जो अमेंडमेंट हुए हैं वो मैंने पहले ही जून वाले अमेंडमेंट में करा दिया है इसके बारे में मुझे बताना था जितने भी बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो अमेंडमेंट मैं करा रहा हूँ ये दिसंबर अटैम्प्ट के लिए इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही आएगा दिसंबर अटैम्प्ट दिसंबर 2020 एग्ज़ाम तक पहुँचने के लिए हमें एग्जैक्टली exactly दो अमेंडमेंट्स करने होंगे एक तो जो जून के एग्ज़ाम्स हुए नहीं तो जून 2020 तक के अमेंडमेंट्स भी करने होंगे उसके साथ साथ जो दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम हो रहे हैं अब उनके इस दोनों अमेंडमेंट को करना है इस दोनों एग्जैक्टली exactly अमेंडमेंट को करना है अब अगर आप देखेंगे तो दिसंबर वाला तो अभी मैं करवा रहा हूं ये तो एग्जैक्टली ऑन गोइंग है और जून वाला हम कर चुके हैं इट इज ऑलरेडी डन अब आप बोलोगे सर जून वाले कहां मिलेंगे जून में ज्यादा अमेंडमेंट से जून वाले कहां मिलेंगे बच्चों को बहुत बार जून वाला मिलता भी नहीं अमेंडमेंट तो मैं बता दे रहा हूं जून वाला अमेंडमेंट का लिंक मैंने अभी जो YouTube लाइव सेशन अभी हमारा चल रहा है उसी के आ, अगर आप देखेंगे नीचे तो उसमें दिया है मैंने एग्जैक्टली exactly. अगर आप देखेंगे तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने कमेंट लिखा है उसमें है वो जब हमारे एग्जैक्टली exactly आप आ, YouTube चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने इस बार आप प्ले बना दिया है और प्ले के अंदर जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि अमेंडमेंट नाम का भी एक प्ले है अमेंडमेंट पर क्लिक करेंगे क्लिक करते देखिए यहाँ पे आ, सारे अमेंडमेंट्स आ जाएंगे सिक्योरिटी लॉ के अमेंडमेंट हो गए जे एच जेल के अमेंडमेंट हो गए न्यू ई सी बी है यहाँ पे कंपनी लॉ एस बी सी के अमेंडमेंट्स हैं इसमें सारे के सारे अमेंडमेंट हैं आप सारा अमेंडमेंट पढ़ सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं है ना तो ये देखिए कंपनी लॉ एंड एस बी सी का अमेंडमेंट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चल भी रहा है अभी है ना ये कंपनी लॉ एंड एस का अमेंडमेंट है फिर जे का अमेंडमेंट है या न्यू ई अमेंडमेंट है सिक्योरिटी लॉ का अमेंडमेंट है तो ये सारा का सारा अमेंडमेंट इसमें है तो आप इसको जरूर देखना भूलना मत तो ये वाला अमेंडमेंट और जो मैं अभी करा रहा हूँ ये दोनों अमेंडमेंट को मर्ज करके जब आप पढ़ेंगे तो आप दिसंबर अटैम्प्ट के लिए तैयार हैं ठीक है चलिए जी तो अब आगे बढ़ते हैं स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप uh, के लिए भी थोड़ा सा एग्जेम्शन बढ़ाया गया है वो क्या है जरा देखिए आप ये चेंज स्टार्टअप के लिए किया गया है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 के रूल एट अगर आप लोग को याद है तो जरा बताओ तो रूल एट किस चीज़ के ऊपर है रूल एट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स बताओ रूल एट किसके ऊपर है मैं देखता हूँ कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं जल्दी से बताइए रूल एट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल ये किस चीज के ऊपर है कोई बच्चा नहीं लिख रहा है इसका मतलब सबको याद नहीं है ये सो टिकुटी शेयर्स के ऊपर है किसके ऊपर एग्जैक्टली सो टिकुटी शेयर्स के ऊपर तो आप जल्दी से कंपनी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट निकालेंगे और कंपनी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर सो टिकुटी शेयर्स आ रहा है अब बच्चे बोलेंगे कि सर आप एस बी सी अमेंडमेंट करा रहे हो पर बार बार कंपनी लॉ आ रहा है आप जानते हैं ना एस बी सी और कंपनी लॉ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है है ना ठीक है तो ज़रा देखिए आप जो स्वेट इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन है उसके अंदर रूल एट कंपनी शेयर कैपिटल एंड एडवेंचर रूल्स रूल एट के अंदर आप जरा देखेंगे तो थोड़ा सा स्टार्टअप के लिए थोड़ा चेंज किया है और ये देखिए क्या चेंज है देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है द इश्योरेंस ऑफ सोटी कोटी शेयर्स इन अंपनी शैल नॉट एक्सी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पेडअप शेयर कपिटल एट एनी टाइम लेकिन यहाँ पर देखिए प्रोवाइडेडार्टअप कंपनी एज डिफाइनिंग नोटिफिकेशन नंबर जी एस आर दिस डेटेड नाइनटीन फरवरी उसमें लिखा हुआ है कि जो एग्जैक्टली कंपनी है स्टार्टअप वो एक तो फिफ्टी परसेंट तक का क्या इशू कर सकती है सोए टू कोटिड शेयर्स इसका मतलब अमेंडमेंट क्या? क्या है जनरल जो कंपनीज होती हैं जो स्टार्टअप नहीं है उनके लिए लिमिट क्या है सोए टू कोटेड शेयर्स का ट्वेंटी फाइव परसेंट लेकिन जो कंपनी स्टार्टअप है उनके लिए लिमिट क्या है फिफ्टी परसेंट और वो भी उनको बताया गया है कि जिस दिन वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं उससे पहले यहाँ पर पाँच साल होता था अब उसको बढ़ा कितना कर दिया गया है दस साल कर दिया गया है तो अगर आप लोग अमेंडमेंट कर रहे हो साथ साथ तो जल्दी से बताओ कहाँ चेंज है रूल एट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स के अंदर जनरल कंपनीज के लिए क्या लिखा गया है कि वो 25 परसेंट तक ही सोए टू कोटि शेयर इशू कर सकते हैं और हाँ ये ज़रूर है कि वो कभी भी कर सकते हैं लेकिन स्टार्टअप कंपनी के लिए कहा गया है कि वो 50 परसेंट तक का क्या इशू कर सकते हैं सोए टू कोटि शेयर लेकिन ये जरूर है कि पहले यहाँ दस साल था अब यहाँ है पहले यहाँ पाँच साल था अब यहाँ पर क्या एग्जैक्टली दस साल कि इन कॉरपोरेशन के दस साल तक वो ऐसा कर सकते हैं तो ये चेंज है पहले एग्जैक्टली कितना था पाँच पाँच साल अब उसको बढ़ा क्या कर दिया गया है दस साल कर दिया गया है तो ये एक्सचेंज है अच्छा कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये अमेंडमेंट वाले नोट्स हमें कब मिलेंगे ये सारे अमेंडमेंट के नोट्स सही ढंग से स्ट्रक्चर करके अभी तो मैं आई का सप्लीमेंट करा रहा हूँ फिर मैं अपने तरफ से जो अमेंडमेंट देता हूँ वो सारा अमेंडमेंट प्रॉपर स्ट्रक्चर करके आपको कॉमर्स एंड कॉमर्स वेबसाइट पर मिल जाएगा है ना अब जानते हैं अब हमारे सारे ऑनलाइन सर्विसेज कहाँ मिलते हैं एक्जैक्टली कॉमर्स एंड कॉमर्स वेबसाइट पर ठीक है चलिए जी तो पहले जहां फाइव ईयर्स होता था वहां पे क्या कर दिया गया है अब दस साल कर दिया गया है है ना चलिए जी कुछ और भी अपडेट्स हैं अब ये अपडेट देखिए क्या है ये अपडेट एग्जैक्टली सेक्शन फोर सिक्सटी के ऊपर है है ना अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन फोर सिक्सटी के अंदर जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले होता है जैसे कभी फॉर्म वॉर्म फाइल करने में कोई गलती वलती होगी देरी वेरी हो गई तो उसके लिए सेक्शन फोर सिक्सटी के अंदर आप डिले की माफ़ी ले सकते हैं वो सेक्शन 460 सिक्सटी के अप्लीकेबिलिटी को अब एल के ऊपर भी अप, अप्लाई कर दिया गया मतलब सेक्शन 460 का इस्तेमाल कंपनी भी कर सकती हैं अंडर कंपनीज़ एक्ट और एल जो एल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं वो भी इस सेक्शन का फ़ायदा ले सकते हैं वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपोरेट अफेयर्स से एग्जैक्टली डिले का कॉन्डोनेशन करवा सकते हैं अंडर सेक्शन फोर ये उसके बाद द कंपनीज़ अकाउंट अमेंडमेंट रूल्स अभी ये क्या है जरा देखिए आप अकाउंट्स वाले में uh, जो अकाउंट चैप्टर है उसके अंदर अमेंडमेंट है अब जितनी भी एन कंपनी होंगी अब और जो जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मानना जरूरी होगा आप जानते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारी कंपनीज को मानना जरूरी नहीं होता है ना कुछ कंपनीज़ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको इंडियन इंड ए है ना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मानना जरूरी है तो ऐसी कोई भी एन जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एप्लीकेबिलिटी Uh, के अंदर फॉल करती हैं अब उनको जो अपना एनुअल फाइलिंग करना है वो कौन से फॉर्म में करना है देखो ये ए सी फोर एन बी एफ सी ए एस है ना और अगर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाल देना चाह रहे हैं तो फॉर्म ए ओ सी फोर सी एफ एस एन बी एफ सी ए एस है ना? तो इनके लिए फॉर्म अब अलग है तो मैं बता दे रहा हूँ ये चेंज आपको कहाँ करना है कंपनी लॉ वॉल्यूम फर्स्ट में आपको यहां पे करना है यहां पे करना है देखो आप ये ये ना फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ रजिस्ट्रार सेक्शन 137 इसी में आप यहां पर देखो है ना कंपनीज अकाउंट अमेंडमेंट रूल्स 2020 रूल वन ए Every NBFC that is required to comply with indian accounting standards acha jo company अच्छा जो कंपनी जो एन बी एफ सी ऐसी हैं जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मानना जरूरी नहीं है उनके लिए नहीं है ये उन एन बी एफ सी के लिए जिनके लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी मानना जरूरी है तो उनको फॉम उनको जो अपना एनुअल फाइलिंग uh, करना है उसके लिए फॉर्म है फॉर्म ए ओ सी फोर एन बी एफ सी इंडेस और अगर वो कॉन्सोलीटेटेड अकाउंट की फाइलिंग कर रहे हैं तो फॉर्म ए ओ सी फोर सी एफ एस एन बी एफ सी ये फॉर्म है उनके लिए है ना तो ये कुछ अपडेशन है एन को लेके चलिए जी अब आगे वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस ये आपका एस बी सी वॉलूम फर्स्ट में ही मिल जाएगा यहाँ पे आ, चेंज आया है ये सारे बच्चे को पता होगा एम एस एम ई का डेफिनेशन बदल गया है है ना एम एस एम ई का डेफिनेशन बदल गया है और एम एस एम ई का डेफिनेशन मैंने एस बी सी वॉलूम सेकेंड के अंदर दिया हुआ है आपको याद होगा आई डी आर ए के बाद एम एस एम ई डेवलपमेंट एक्ट कराया हुआ मैंने मैंने वहां पर इसको दिया हुआ है तो चलिए वहां पर चलते हैं और नया डेफिनेशन पढ़ते हैं किसका एग्जैक्टली एम एस एम ई का ये देखिए यहाँ पे कि एमएसएमई एम का जो डेफिनेशन चेंज हुआ है वो क्या है वो दिखा रहा हूं चलिए जी यहां पर देखिए जो रिवाइज एमएसएमई क्लासिफिकेशन है वो कब से अप्लीकेबल है फर्स्ट जुलाई 2020। इसका मतलब आ, वैसे तो 30 जून तक के जो अमेंडमेंट हैं वो लगते हैं दिसंबर अटेम्प्ट लेकिन ये फर्स्ट जुलाई को आया है और आई ने अपने सप्लीमेंट में दे दिया है तो हम करेंगे इसको चलिए जी देखिए सबसे पहले जो इस बार क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो दो क्राइटेरिया है एक तो क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और अगर सर्विस इंडस्ट्री की कंपनी है तो वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी वर्ड ना लिखे क्या लिखते हैं इक्विपमेंट है ना और दूसरा है एनुअल टर्नओवर तो ये जो क्लासिफिकेशन होगा तीन में माइक्रो इंटरप्राइजेज स्मॉल इंटरप्राइजेज एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ये तीन क्लासिफिकेशन जो है इन तीन क्लासिफिकेशन का जो आ, तरीका है वो मैनर ऑफ़ कह सकते हैं कि मैनर ऑफ़ क्लासिफिकेशन जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है द फर्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अगर सर्विस इंडस्ट्री की कंपनी है तो वहाँ पर वॉट क्या इस्तेमाल होगा इक्विपमेंट और दूसरा है एनुअल टर्न चलिए जी तो ये क्राइटेरिया पढ़ते हैं सबसे पहले माइक्रो बाकी इस बार एक अच्छी चीज़ ये है कि सर्विस वालों के लिए अलग नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए अलग नहीं सबके लिए एक ही है है ना चलिए जी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो इक्विपमेंट में अगर एक करोड़ तक है तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं है ना और टर्न वाइज देखा जाए एनुअल टर्न वाइज तो आपका टर्नओवर ओवर पाँच करोड़ तक है मतलब पाँच करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो पाँच करोड़ तक तो इन्वेस्टमेंट एक करोड़ तक और एनुअल टर्न ओवर करोड़ तक तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टर्न का लिमिट पाँच गुना ज़्यादा है फाइव टाइम्स ज़्यादा है है ना यही आप देखना इसी तरीके से याद करोगे तो याद रह जाएगा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और द इक्विपमेंट इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री है ना जो भी होगा उसका पाँच गुना होगा एनुअल टर्नओवर ये याद रखिएगा अच्छा एक करोड़ से ज़्यादा है लेकिन कहाँ तक है दस करोड़ तक है तो आप हैं माइक्रो नहीं क्या एग्जैक्टली स्मॉल इंटरप्राइजेज है ना देखो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम तो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं तो 10 करोड़ तक आप माने जाएंगे स्मॉल और 10 करोड़ का पाँच गुना कर दो तो एनुअल टर्न बन जाएगा पचास करोड़ तक तो दस करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट या एनुअल टर्न ओवर करोड़ तक का है तो यू आर स्मॉल इंटरप्राइजेस है ना इंटरप्राइज मीडियम के लिए आप 10 करोड़ से ज़्यादा लेकिन कहाँ तक 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और द इक्विपमेंट और उसका टर्नओवर सीधा क्या पाँच गुना तो 50 का पाँच गुना क्या हो गया ढाई सौ है ना तो ढाई सौ करोड़ तक का एनुअल टर्नओवर है ना तो चलिए जी एक बार मैं पूछूंगा आप ठीक है अब मैं देखता हूँ कि बच्चे सही जवाब देते हैं कि नहीं मैं देखो यहाँ पर कमेंट देख रहा हूँ ठीक है मान लीजिए इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी मान लीजिए किसी का पाँच करोड़ है किसी का बीस करोड़ है और किसी का तीन सौ करोड़ है तो आप ज़रा बताइए कि ये किस में क्लासीफाई होगा पाँच करोड़ तक वाला बताओ किस में होगा सबसे पहले बताओ पाँच करोड़ तक वाला जल्दी लिख के बताइए पाँच करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ये किस में फॉल करेगा माइक्रो में स्मॉल में या मीडियम में कुछ बच्चे माइक्रो बोल रहे हैं कुछ बच्चे स्मॉल बोल रहे हैं है ना ज़्यादातर बच्चे स्मॉल बोल रहे हैं है ना एक बार चेक कर लेते हैं देखो अगर आपका एक करोड़ तक है तब आप माइक्रो हैं एक करोड़ से दस एक करोड़ से ज़्यादा लेकिन दस करोड़ तक अगर है तो तो आप के यहाँ एक्जैक्टली स्मॉल हैं तो पहले का आंसर तो हो गया स्मॉल तो जिन लोगों ने स्मॉल बोला है है ना वो खुश हो जाए माइक्रो कैसे बोला है एक करोड़ तक का माइक्रो है ना एक करोड़ से ऊपर हो गया तो क्या हो गया स्मॉल हो गया ना है ना देख रहे हो ना स्मॉल है नॉट मोर देन एक करोड़ एक करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा और दस करोड़ तक रहेगा तो स्मॉल होगा ना वो ठीक है चलिए जी अब आगे बताओ आगे क्या है बीस करोड़ वाला किस में आएगा बीस करोड़ वाला किसमें आएगा सारे बच्चे जल्दी से बताइए बीस करोड़ वाला किस में आएगा बीस करोड़ वाला लार्ज में आएगा लार्ज कहाँ से आ गया अभी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बीस करोड़ वाला आएगा मीडियम एकदम सही आंसर ये आएगा मीडियम और 300 करोड़ वाला 300 करोड़ वाला जल्दी बताओ 300 करोड़ तो एमएसएमई के डेफिनेशन में है ही नहीं ये तो एग्जैक्टली exactly देखा जाए तो ये हैवी इंडस्ट्रीज हो गई क्या हो गई हैवी इंडस्ट्रीज ये एमएसएमई के अंदर है ही नहीं है ना ये हैवी इंडस्ट्री है ठीक है चलो भाई तो एमएसएमई में वो आएगा ही नहीं है ना ठीक है चलिए जी यश जैन बोल रहा है डोंट फॉल इन एमएसएमई एकदम सही बात है और शिवानी जैन एमएसएमई नहीं है वो एकदम सही आंसर और अतुल बोल रहा है बिग इंडस्ट्री नॉट कवर्ड इन एमएसएमई एकदम सही आंसर अरे वाह क्या बात है सारे बच्चे बहुत आंसर दे रहे हैं हैवी नॉर्मल इंडस्ट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन एमएसएमई एकदम सही चलिए जी बच्चे इसका मतलब अब धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किए मेरे साथ शुरू में तो पढ़ ही नहीं रहा था कोई है ना चलिए जी अब आगे देखे तो एम का डेफिनेशन याद रहेगा कि पहले इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और द इक्विपमेंट याद कर लेना उसका पाँच गुना सीधा क्या हो जाता है लिमिट किसका एनअल टर्न ओवर का है ना चलिए जी उसके बाद ये हो गया ख़त्म इसके बाद आगे देखते हैं अब ये किससे जुड़ा हुआ है जल्दी बताओ ये एक है ना तुम लोग को पढ़ाया था आई के अंदर किर्प कॉर्पोरेट इंसॉलवेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है ना किर्प अब किर्प का मतलब क्या है तो वो है आई और आई हमारे एस बी वॉल्यूम फर्स्ट में या सेकेंड में है एस बी वॉल्यूम फर्स्ट में है मुझे लगता है आई है ना तो चलिए देखते हैं ये थोड़ा पहले हो गया चलिए जी अब ये हम आ गए हैं एस बी सी वॉलूम फर्स्ट के अंदर आई बी सी के अंदर अब आई बी सी के अंदर क्या अमेंडमेंट है वो मैं बताता हूँ आप लोग को ठीक है चलिए जी इसके अंदर आ जाएंगे आप किर्प वाले में किरप के ऊपर मैंने अलग से चैप्टर बनाया अगर आप लोग को याद हो तो ये सब हमारा आईबीसी है ना अभी और आ गया अभी आ जाएगा देखो अब सारे बच्चे बहुत एक्टिव हो गए हैं मैं कुछ भी पूछ रहा हूं तुरंत तो तुरंत आंसर कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है चलिए जी इसमें जो अमेंडमेंट है वो यहाँ है देखो अमेंडमेंट क्या है देखिए सबसे पहले Uh, जो आईबीसी के अंदर किर्प का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो तब स्टार्ट होता है जब कोई डिफॉल्ट हुआ हुआ हो है ना? जब क्या हुआ हो कॉरपोरेट डेटर की तरफ से डिफॉल्ट हुआ हुआ हो और कॉरपोरेट डेटर की तरफ से जो डिफॉल्ट है उसका अमाउंट है ना उसका अमाउंट बताया गया है उसका अमाउंट जरा आप अपने बुक में देखिए तो कितना है जल्दी बताइए आपके बुक में अभी तक कितना एक्जैक्ट exactly कहीं दस लाख तो नहीं लिखा हुआ जल्दी बताओ आपके बुक में अभी तक यहाँ क्या लिखा हुआ है अगर तुम लोगों ने बुक खोल लिया तो एक लाख लिखा हुआ है अच्छा एक लाख लिखा हुआ है ना बाकी वहाँ पर सेक्शन फोर ने एम्पावर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो चाहें तो इसको बढ़ा के एक करोड़ तक पहुँचा सकते हैं ये ना एक करोड़ तक पहुँचा सकते हैं पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर का इस्तेमाल कर लिया और इस्तेमाल करके इसको क्या कर दिया अब एक लाख को हटा के क्या कर दिया एक करोड़ कर दिया इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर का पूरा इस्तेमाल कर लिया है ना तो पहले यहाँ पे एक लाख लिखा हुआ था तुम लोगों ने जैसा बताया एक लाख ही लिखा हुआ ना तो एक लाख लिखा हुआ था अब एक लाख को काट के यहां पर क्या कर देना है एक करोड़ कर देना है इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर दिया गया था कि वो एक लाख के लिमिट को बढ़ा के एक करोड़ तक पहुंचा सकते हैं उन्होंने सीधा एक करोड़ ही पहुंचा दिया है ना अब वो एक करोड़ से ऊपर नहीं ले जा सकते अगर एक करोड़ से ऊपर ले जाएंगे तो पहले सेक्शन फोर में उनको क्या करवाना कर पड़ेगा अमेंडमेंट करवाना पड़ेगा तो प्रजेंट लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू स्टार्ट अमा द किरपेज रुपीज करोड़ ठीक है चलिए जी तो ये एक अमेंडमेंट था देखो यहां पे लिखा हुआ है कि इन एक्सरसाइज ऑफ 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 द द द द पावर बाय प्रोविजो सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाई स्पेफाई वन करोड़ मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेड सेक्शन अब कम से कम एक करोड़ रुपए का डिफॉल्ट होगा तभी आईबीसी के अंदर केस जा पाएगा फॉर द पर्पज ऑफ इनिशिएशन ऑफ किरप प्रोसेस ठीक है चलिए दूसरा आईबीसी uh, के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि आईबीसी का एप्लीकेबिलिटी कहाँ तक होगा तो आईबीसी के एप्लीकेबिलिटी को अगर हम देखें तो उसमें ऐसा था कि कुछ पार्ट तो पूरे इंडिया पे लग रहा था पर कुछ पार्ट था जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था है ना? तो अगर आप देखेंगे तो अब पूरा का पूरा आई पूरा का पूरा आई पूरे के पूरे देश पे लागू हो गया इसका मतलब अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी लागू है है ना तो पहले जो एक्सेप्शन चल रहा था कि आई का कुछ पार्ट जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होगा अब पूरा का पूरा आई जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी अप्लाई होगा ठीक है तो धीरे धीरे लॉस की सारे लॉस की अप्लीकेबिलिटी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी कराई जा रही है है ना अब देखिए मैं बताता हूं ये कहां लिखा हुआ था ये देखो ये आईबीसी का पहला ही चैप्टर होगा उसी के अंदर मैंने एप्लीकेबिलिटी बताया होगा अभी आ जाएगा ये देखिए देखो यहां पे लिखा हुआ ना द इंसॉल्वेंसी बैंक कोड एक्सटेंस टू होल ऑफ इंडिया हाउवर पार्ट थर्ड ऑफ द कोड डज नॉट एक्सटेंड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये वाला लाइन आपको काट देना है इसका मतलब अब कोई भी पार्ट नहीं बचेगा पूरा का पूरा आई पूरा पूरे देश पे लागू होगा इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर है ना तो ये जो पहले एक छोटा सा एक्सेप्शन चलता था कि पार्ट थर्ड ऑफ द कोड विल नॉट अप्लाई ऑन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो अब खत्म हो गया अब ये सब पे लागू होगा है ना अब ये कैसे किया गया है वो मैं दिखा रहा हूँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अडेप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज मतलब इस ऑर्डर के थ्रू जितने सेंट्रल लॉज थे उसको जम्मू एंड कश्मीर पर लगाया जा रहा है उनमें से एक लॉ आई बी सी भी है अब आई बी सी होल ऑफ इंडिया पर लगेगा इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ठीक है चलिए जी अब एक और ऑर्डिनेंस है आईबीसी से जुड़ा हुआ देखो यहाँ क्या लिखा है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 अब मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ ये क्या है देखो ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से है और कुछ नहीं है ये एक तरीके से देखा जाए तो मोराटोरियम टाइप का है अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है एक नया सेक्शन आया सेक्शन टेन ए और वो क्या कहता है इस ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया है ना ये क्या कह रहा है तो देखो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना 25 मार्च 2020 से ठीक है छः मंथ तक देखा जाए तो एक तरीके का इंजेक्शन दे दिया है क्या दे दिया एग्जैक्टली exactly? इंजेक्शन दे दिया है कि अब जो भी किर्प विरफ चल रहा था या कोई किर्प स्टार्ट होने वाला था तो इन सब के ऊपर रोक लग जाएगी छः महीने का इंज एक तरीके से रोक है किसके ऊपर आई के ऊपर तो आई, के, उपर, तो आई के अंदर छः महीने तक और और भी पीरियड इसको बढ़ाया जा सकता है नॉट एक्सीडिंग वन ईयर लेकिन अभी छः महीने छः महीने तक के लिए देखा जाए तो आई के अंदर अब कोई नया प्रोसेस नहीं होगा है ना ये एक तरीके से कोरोना पैंडेमिक की वजह से क्या दिया गया है रिलैक्सेशन दिया गया है है ना तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी किर्प ये अभी ऑन या आफ़्टर ट्वेंटी मार्च मतलब 2020 मार्च 2020 के बाद अगले छः महीने तक इस पर रोक रहेगी कि कोई भी नया किर प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा ठीक है तो इसका मतलब ये आ, कोरोना पैंडेमिक की वजह से था और देखा जाए तो आईबीसी के ऊपर लगभग छः महीने छः महीने से ऊपर इसको बढ़ाया भी जा सकता है लेकिन अभी छः महीने तक की रोक है है ना चूँकि अभी आप इस पूरा का पूरा देश में लॉकडाउन था तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हो सकते हैं कि उनकी हालात इंसॉलवेंसी वाली हो जाए है ना तो उस केस में आ, इ, इस छः महीने को मार्च से अगर छः महीने गिनेंगे तो आ, ये सितंबर अक्टूबर सब्टेंबर तक तक पहुँचेगा तो सितंबर तक के लिए अभी रोक था इसके ऊपर है ना अब फिर अनलॉक हुआ है तो धीरे धीरे चीज़ें रिवाइव होनी स्टार्ट हुई हैं ठीक है तो चलिए जी ये था एस बी ई सी का अमेंडमेंट जो मैंने करवा दिया पूरा है ना फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि एस बी सी का जो अमेंडमेंट है सिर्फ ये वाला पढ़ोगे जो मैंने अभी पढ़ाया है या मेरे यूट्यूब चैनल पे जून तक का भी अमेंडमेंट है तो जून तक का भी अमेंडमेंट है यूट्यूब चैनल पे जाएंगे वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है अमेंडमेंट वाला वहां पे एस कंपनी लॉ का अमेंडमेंट का वीडियो पहले से है दोनों वीडियो को मर्ज करके पढ़ेंगे तब जाके आपका पूरा अमेंडमेंट पूरा होगा ठीक है चलिए जी अब हम लोग पढ़ेंगे जे आई जी एल का अमेंडमेंट किसका अमेंडमेंट जे आई जी एल जे आई जी एल का अमेंडमेंट चलिए सारे बच्चे जल्दी से बुक बदलिए और जे आई जी एल का बुक खोलिए आप लोग और जे आई जी एल के अंदर सीधा टॉट चैप्टर निकालेंगे ठीक है जल्दी से निकालिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अगर आपने टॉट चैप्टर निकाल लिया जे आई जी एल में तो आप कमेंट में येस एस लिखिए फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ जब तक आप बुक निकालते हैं आप लोग को एक खुशखबरी दे दूँ हमारे यहाँ सी एच डब्ल टी का रिजल्ट फिर बहुत बढ़िया हुआ है आप लोगों को पता चल ही गया होगा आप लोगों ने देखा होगा और मेरे साथ अगर व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं तो मेरे स्टेटस को भी देखा होगा 75 से ज़्यादा स्टूडेंट का तो हमने फोटो के साथ अगर आप रिजल्ट डाला है है ना तो सी एच डब्ल ई टी अगर देखा जाए आया तो कोरोना के साथ ही लेकिन हमारे लिए शुभ रह रहा है और सी एच डब्ल ई टी का सबसे बढ़िया रिज़ल्ट हम दे रहे हैं सबसे बढ़िया रिज़ल्ट है ना अगर इंस्टीट्यूट खुला हुआ होता और सब कुछ फ़ेस टू फ़ेस चलता होता तो आप लोग को भी मुंह मीठा कराया जाता है ना तो अगर अब तो खैर अभी सब कुछ बंद चल रहा है तो उस केस में आप लोग खुद ही अपना मुंह मीठा कर लेना है ना तो सी एच डब्ल टी का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ एक अच्छी बात है हम लोग मेहनत करते हैं और उस केस में एक बच्ची ने लिखा है कि सर एग्ज़ीक्यूटिव का भी रिजल्ट बहुत अच्छा होगा है ना अब आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो ज़रूर होगा शिवानी जैन लड्डू इज़ पेंडिंग लड्डू तो पेंडिंग है बस एक बार सब कुछ वापस सब कुछ खुल जाए तो देखना कि फिर तो लड्डू ही लड्डू है है ना एन के जी एंस रिजल्ट इज ऑलवेज बेस्ट प्रियांशी शर्मा ने लिखा है अब एन के जी एंस ये बड़, बड़ी अच्छी बात है कि नितेश कुमार जायसवाल तो मात्र एक टीचर हैं मेन तो उनके स्टूडेंट्स हैं जो इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं है ना तो अगर बच्चे खुश होकर पढ़ेंगे खूब मेहनत से पढ़ेंगे तो देखना आप आप सब भी बहुत अच्छे से पास करोगे है ना अब कुछ बच्चे गो कोरोना गो कोरोना लिख रहे हैं सच में अब तो मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ कोरोना कोरोना से चाहता हूँ जल्दी से कोरोना ख़त्म हो और फेस टू फेस क्लास स्टार्ट हो फेस टू फेस क्लास से इसके लिए मैं एकदम परेशान हूँ है ना आ, मतलब दस साल तक मैंने फेस टू फेस क्लास पढ़ाया है ना और मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं जो मुझे यूटूब पर पढ़ाने में मज़ा आएगा ये सब तो मैं समझो आ, कि क्या कहते हैं उसको मजबूरी में कर रहा हूँ है ना ऐसे तो अभी बस चले अभी सरकार की तरफ से परमिशन आ जाए तो मैं तुरंत फ़ेस टू फेस स्टार्ट करूं और एकदम फेस टू फेस आप लोग को सब कुछ पढ़ाऊं है ना फ़ेस टू फेस का मज़ा ही अलग है है ना सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हम भी बहुत परेशान हो रहे हैं जल्दी से अच्छा ये देखिए कितने बच्चे तेज़ हैं सर लड्डू के पैसे पे कर दो ठीक है सबसे पहले तुम लोग भी रिजल्ट दे दो उसके बाद है ना ठीक है चलिए जी आ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर सेकेंड साइकिल ऑफ सीएस एग्ज़ाम पॉसिबल होगा कि नहीं होगा है ना Uh, अब ये इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ लेकिन अगर आप मेरे तरफ से पूछोगे तो मेरा तो मानना है कि uh, एग्ज़ाम होने चाहिए क्योंकि जिन बच्चों का जून अटेम्प्ट था वो बहुत परेशान हो चुके हैं है ना एक ही चीज़ को पढ़ पढ़ के और वो जो डर का एक माहौल है वो बहुत दिन से बना हुआ है बच्चा परेशान हो चुका है मैं चाहता हूँ कि अब जल्दी से एग्ज़ाम एक बार हो जाए है ना एग्ज़ाम में बशर्ते कि सारे के सारे बच्चे प्रॉपर प्रिकॉशन ले कर जाएँ है ना चूकि कोरोना किसी का भी नहीं है कोरोना के सामने एकदम हीरो नहीं बनना है है ना कोरोना बहुत ख़राब चीज़ है इसलिए सारे के सारे बच्चे प्रॉपर प्रिकॉशन से जाएंगे और पर मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हो है ना चलिए जी तो शुरू करें जे का अमेंडमेंट सारे बच्चे तैयार हैं चलिए जी अब देखो जे के अंदर सबसे पहले फिर मैं रिमाइंड कर रहा हूँ जून तक वाला जो मैंने अमेंडमेंट कराया है जे में वो बहुत ज़्यादा था आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा था उसको बढ़िया से पढ़ लेना वहाँ से एग्जाम आने के चांसेस हैं समझ में आ रहा ना तो सुनो अब जो एग्जैक्टली जे के अंदर अमेंडमेंट है ये अमेंडमेंट नहीं है ये एडिशन है और मुझे सबसे अजीब बात ये लगता है आई को इस समय में बुक के अंदर एक पेज भी ऐड नहीं करना चाहिए है ना उल्टा उनको कोर्स कंटेंट घटाना चाहिए है ना और वो आ, पहले तो उन्होंने नया मॉड्यूल लॉन्च कर दिया था किसी तरह उन्होंने वापस लिया लेकिन फिर वो सप्लीमेंट के रास्ते से कुछ ना कुछ एडिशन करने की कोशिश कर रहे हैं पर मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है है ना अब बच्चों के स्टेटस में पढ़ाई के स्टेटस में अब कोई चेंज लाना ठीक नहीं होगा दिसंबर एग्जाम हो, होने देना चाहिए पहले है ना तो इन्होंने क्या किया एडिशन डाला है किसके अंदर टॉट चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है ये देखो ये सिर्फ एडिशन है देखिए देखो ना ये सिर्फ एडिशन है और कुछ नहीं है बस टॉट चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट क्या है वो टॉट के अंदर क्या अमेंडमेंट होगा टॉट कोई एक्ट थोड़ी है जो अमेंडमेंट होगा इन्होंने क्या कर दिया टॉट के अंदर जोड़ दिया देखो ना यहाँ लिखा हुआ थ्री पैराग्राफ हैज है इन्जर्टेड टू प्रोवाइड मोर अंडरस्टैंडिंग मतलब टॉट तौ, चैप्टर का और अंडरस्टैंडिंग बढ़े इसलिए फिर यहाँ पर देखिए टू गिव मोर अंडरस्टैंडिंग कुछ केस लॉज हमने ऐड कर दिए हैं तो वो सिर्फ ऐड इन्होंने किया है अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है तो जे आई जी एल के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ टॉट के अंदर अमेंडमेंट नहीं क्या है एग्जैक्टली exactly? एडिशन है है न तो एडिशन है अब वो क्या है जरा देखते हैं है ना चलो आप बच्चे कहेंगे सॉरी इतना लंबा चौड़ा एडिशन है ना आप चिंता मत करो इतने लंबे चौड़े एडिशन में से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने निकाल ली हैं अब वो मैंने बुक के अंदर ऐड कर दिया है तुम सिर्फ उतना ही पढ़ना है ना ज़्यादा कहते हैं ना इफ़ यू वांट टू डू ऑल द थिंग्स यू विल बी लेव डूइंग नथिंग तो इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने एग्जैक्टली exactly इसमें आपको ऐड कर दिया बुक के अंदर तो यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं है मैंने बुक में ऐड किया है इसी में से निकाल के मैंने बुक में ऐड किया है मैं सीधा बुक दिखा रहा हूँ चलिए जी टॉट के अंदर आते हैं ना अब तो टॉट 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 ये तो एस बी सी सब है अब जे आई जी एल खोल के दिखाता हूं जे आई जी एल चलिए जी लॉफ टॉट्स पे आ गए है ना सारे बच्चे कह रहे हैं शॉर्ट में बता दीजिए आप चिंता मत करो देखो लॉ ऑफ टॉट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे एडिशन करना है यहाँ पे एक एडिशन मैंने किया है केस लॉ ऐड किया है ना है ना आप लोग को याद होगा कि टॉट क्या होता है तो टॉट के अंदर बेसिकली वो सारे ऑफेंसेस आते हैं जिन ऑफेंसेस को पेनालाइज करने के लिए पनिश करने के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया गया है है ना तो देखो वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी तो आईसीएसआई ने इसको जोड़ा है देखिए यहाँ क्या लिखा है इन जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व दैट ट्रूली स्पीकिंग एंटायर लॉफ टॉट इज फाउंडेड एंड स्ट्रक्चर्ड ऑन मॉरलिटी बात भी सही है टॉट के अंदर अगर आप देखें देखेंगे तो मॉरल वैल्यूज़ को ज़्यादा अहमियत दी गई है क्योंकि जो चीजें लीगली गलत हैं उनके लिए प्रॉपर लॉ बना हुआ होता है मॉरल वैल्यूज़ को ज़्यादा इज्जत दी गई है और इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है दैट नो वन हैज़ अ राइट टू इंजर्ड और हार्म अदर इंटेंशनली और इवन इनोसेंटली ये तो जब मैंने पढ़ाया था टॉट तभी बताया था आप लोगों को कि टॉट के अंदर वो सारे के सारे ऑफेंस आते हैं जिन ऑफेंस के लिए अलग से लॉ नहीं लिखे गए हैं वो बेसिकली छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं लेकिन ऑफेंस चाहे कितना भी छोटा मोटा हो मेरा सीधा सा मानना है किसी के साथ भी होना नहीं चाहिए है ना आपके वजह से चाहे वो इंटेंशनली हो आपने जानबूझ के किया या इनोसेंटली हो है ना हो सकता है आपने जानबूझ के नहीं किया लेकिन आपके उस एक्ट से दूसरे को नुकसान तो पहुंचा ना नुकसान पहुँचा दुख हुआ तो उस दुख की तो भरपाई आपको करनी पड़ेगी अब उस दुख दुख को एग्जैक्टली uh, पेनालाइज exactly करने के लिए या uh, दुख है तो उसको कंपनसेट uh, करने के लिए कोई लॉ नहीं बना है इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुखी छोड़ दिया जाएगा आपको कंपनसेशन मिलेगा अंडर द लॉ ऑफ टॉट तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि टॉट कुछ नहीं है मतलब टॉट देखा जाए तो अगर मैं फ्रेंकली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो टॉट बेसिकली मॉरल वैल्यूज़ को बचा के रखता है और आप किसी भी इंसान को ये नहीं कि लॉ नहीं बना हुआ है तो आप किसी को दुख दे दोगे दुख चाहे आपने जानबूझ के दिया हो या इनोसेंटली आपकी वजह से किसी को दुख हुआ हो अगर दुख हुआ है तो सामने वाले को रिलीफ तो देना पड़ेगा अब वो रिलीफ चाहे लॉ से दिया जाए या अंडर द लॉ ऑफ टॉट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ टॉट तो कुछ नहीं है देखा जाए तो टॉट को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक केस लॉ आईसीएसआई ने डाल दिया अब देखेंगे आगे एक और केस लॉ मिलेगा आपको वो मिलेगा विकेरियस लाइबिलिटी के अंदर किसके अंदर विकेरियस लाइबलिटी के अंदर और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट है ना? निकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ठीक है सारे बच्चे चार्ट चाह रहे हैं तो चार्ट जैसा अभी तो कुछ है ही नहीं तो क्या आ, अभी आ, जब वो कराऊँगा अभी और भी अमेंडमेंट्स बाकी है ना आज तो जे और एस का हुआ उसमें से भी अभी इन वाला तो बाकी है तो जहाँ लगेगा चार्ट की ज़रूरत होगी चार्ट बना दूंगा है ना चलिए जी तो विकेरियस लाइब्रेटी ऑफ द स्टेट है ना विकेरियस लाइब्रेटी याद है आप लोग को क्या होता है विकेरियस लाइब्रेटी में होता है ना कि किया किसी और ने पर वो तो लाइबल हुआ ही उसके साथ आप भी लाइबल हो गए तो दूसरे के गलती के वजह से जब कोई और लाइबल हो जाए है ना तो हम उसको कहते हैं कि जिसने गलती किया जिसको कहते हैं टॉट फीजर जो गलती करता है जो टॉट करता है उसको तो क्या बोलते हैं टॉट फीजर वो तो लाइबल होगा ही अब उसके टॉट के चक्कर में कुछ और लोग भी लाइबल हो जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ देट पर्सन अब देखिए उसमें एक आता था ना कि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के जो एग्जैक्टली exactly सर्वेंट्स होते हैं क्या उनके गलती के वजह से गवर्नमेंट लाइबल होगी तो आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि वो डिपेंड करता है कि जो सरकारी सर्वेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सॉवरन फंक्शन कर रहा था या नॉन सावरन फंक्शन अगर वो सॉवरन फंक्शन कर रहा था तो उस केस में सरकार लाइबिलिटी से बच जाती है लेकिन अगर वो नॉन सावरे फंक्शन कर रहा था तो उस केस में सरकार है ना द गवर्नमेंट कैन बी हेल्ड लाइबल तो देखो वही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया इस बार आई सी ने कि सॉवरन फंक्शन क्या होता है और नॉन सॉवरन फंक्शन क्या होता है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये इस बार आई ने बताया है है ना तो अब जरा देखो मैं लाइन बाय लाइन पढ़ दे रहा हूँ ICSA ने क्या ऐड किया तो ICSA ने बेसिकली जो ऐड किया है वो क्या है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोवरेन फंक्शन एंड नॉन सोवरेन फंक्शन अब इसके अंदर डिस्टिंक्शन करने के लिए एक केस लॉ आया ये केस लॉ बहुत नामी केस लॉ है केस लॉ का नाम देखो एन नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इसमें कोर्ट ने कहा था कि मॉडर्न सेंस में दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना ये लगभग Uh, मुश्किल है ये पॉसिबल ही नहीं है है ना तो इसका मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई डिस्टिंक्शन इन, इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता है है ना तो इसके आगे लिखा है इट ऑल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पावर एंड द मैन और ऑफिस ऑफ इट्स एक्सरसाइज मतलब कि सरकार ने सरकार को कौन सा पावर दिया गया है और सरकार ने उस पावर का इस्तेमाल किस तरीके से किया है तो नेचर ऑफ़ पावर एंड द मैनर ऑफ़ इट्स एक्सरसाइज इनको देख के हम थोड़ा सा डिस्टिंगसन निकालने की कोशिश कर सकते हैं कि वो सॉवरन है या नॉन सॉवरिन तो कोई हार्ड एंड फास्ट डिस्टिंगसन नहीं है बिटवीन द सावरेन एंड नॉन सॉवरेन वो डिपेंड करेगा कि पावर का नेचर क्या था और पावर का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है बाकी यहाँ पे एक टेस्ट जरूर बता दिया था कोर्ट ने वो ये बताया था कि अगर सरकार स्टेट का मतलब सरकार इफ़ द स्टेट इज़ आंसरेबल फॉर सच एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ मतलब सरकार के तो सरकार खुद सरकार तो सरकार तो सरकार का मतलब क्या होता है कि जो सरकारी ऑफिसर्स हैं या जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वही तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो एक्ट किया क्या उस एक्ट के लिए सरकार आंसरेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगर सरकार आंसरेबल है तो दैट एक्ट वॉज सॉवरन इन नेचर दैट एक्ट वॉज सॉवरन नेचर लेकिन अगर सरकार उसके लिए आंसरेबल नहीं है तो फिर वो क्या हो गया नॉन सॉवरेन है ना दो लिखा है टेस्ट टू रिटरमाइंड इफ द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन इज सॉवर इन नेचर इज वेदर द स्टेट इज आंसरेबल फॉर सच एक्शन इन कोर्ट ऑफ लॉ है ना अब देखो यहाँ पर क्या हुआ जैसे डिफेंस का मामला है आर्म्ड uh, फोर्स का मामला है है ना नहीं एक्चुअली उल्टा है देखो ऐसे है पहले मैं चार्ट ही बना देता हूँ है ना गवर्नमेंट इज आंसरेबल नॉट आंसरेबल ठीक है अगर गवर्नमेंट आंसरेबल है तो, तो वो नॉन सावरेंट फंक्शन हो गया एंड इफ द गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल तो वो सॉफ्ट इनफंक्शन है तो उल्टा है ठीक है तो इस चार्ट को पहले उतार लो ठीक है जब तक एग्जैक्टली exactly आप चार्ट उतारो तब तक मैं कमेंट पढ़ता हूं बच्चों का ठीक है रंजीत तिवारी ने लिखा है सर मैं 2015 बैच का स्टूडेंट हूं और सर अभी गया था सिविल कोर्ट में एडवोकेट हूं बट जब भी आप लाइव आते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आ, जी रंजीत तिवारी थैंक यू 2015 बैच के स्टूडेंट हैं पंद्रह का मतलब आज से पाँच साल पहले है ना चलिए जी तो जल्दी से बताओ एक बार सारे बच्चे बताओ अगर गवर्नमेंट उस एक्ट के लिए आंसरेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो वो एक्ट कैसा था वो था नॉन सॉवरेन फंक्शन लेकिन इफ़ द गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो वो है नॉन सॉवरेन सॉरी वो है सॉवरन फंक्शन। इस मतलब सॉवरेन फंक्शन के मामले में आप सरकार से पूछ नहीं सकते लेकिन अगर नॉन सोवरेन फंक्शन है तो सरकार से आप पूछ सकते हैं जब सरकार से आप पूछ सकते हैं तो सरकार लाइबल भी होगी लेकिन अगर आप सरकार से नहीं पूछ पाएंगे तो फिर सरकार लाइबल भी नहीं होगी तो फंक्शन के केस में सरकार इज़ नॉट लाइबल लेकिन नॉन सावरे फंक्शन के केस में आप सरकार को लाइबल कर सकते हैं चलिए जी एक एग्ज़ाम्पल दिया है वो देखो एग्जाम्पल क्या चीज़ का है कि सॉवरन का एक एग्ज़ाम्पल दिया देखो सॉवरन का क्या एग्ज़ाम्पल दिया जैसे सरकार मान लीजिए आर्मी से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन ले रही है फॉरेन अफेयर से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन ले रही है वॉर और पीस के ऊपर कोई डिसीज़न ले रही है है ना अपने टेरिटरी को बचाने के लिए कोई एग्जैक्टली डिसीजन exactly ले रही है है ना एक्सटर्नल सॉविनेिटी के ऊपर कोई डिसीजन ले रही है है ना पॉलिटिकल कोई डिसीजन ले रही है याद रखिएगा ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं सॉवरिन के देखिए ये सब ऑर्डनरी सिविल कोर्ट के जुडिडिक्शन में नहीं आते मतलब इन सब मामलों में अगर सरकार से कोई गलती हो जाती या सरकार में कोई कमी रह गई तो आप कोर्ट में सरकार के ख़िलाफ़ केस फाइल नहीं कर सकते है ना तो देखो यहाँ स्टेट को इम्यूनिटी ग्रांट की गई है द स्टेट इज इम्यून फ्रॉम बींग सूड एज द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट इन सच मैटर इज इम्प्लाइटली बार्ड तो इसका मतलब ये सारे काम हो गए सॉवरेन और सॉवरेन हो गए तो फिर उस केस में कोर्ट में केस नहीं हो सकता है बाकी तो नॉन सॉवरेन कौन है भाई तो जनरली द एक्टिविटीज ऑफ कॉमर्सियल नेचर एंड दोज विच कैन बी कैरीड आउट बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो कैन बी टर्मड एज नॉन सॉवरिन फंक्शन अब जैसे बैंकिंग फंक्शन है बैंकिंग फंक्शन सरकारी बैंक्स भी हैं और प्राइवेट बैंक्स भी हैं तो सरकार अगर बैंकिंग बिजनेस कर रही है उसमें गलती करेगी तो सरकार लाइबल होगी सरकार आंसरेबल है कि सरकार ने बैंकिंग बिजनेस करके कहीं पब्लिक का पैसा बर्बाद तो नहीं किया है ना लेकिन अगर आप कहोगे कि आर्मी को लेके या वॉर को लेके या पॉलिटिकल बातों के ऊपर लेके आप सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आंसर करेंगे लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में उनको ले जाओगे या आप कोर्ट के अंदर केस करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है एक केस हुआ था वो देखिए स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती इस केस में क्या हुआ था ज़रा ध्यान से सुनो इस केस में क्या हुआ था कि एक सरकारी कार ये मैं सरकारी कार बनाता हूँ ठीक है ये एक सरकारी कार है इसमें कलेक्टर बैठा हुआ है ये देखो कलेक्टर बैठा हुआ ना तो कलेक्टर का मतलब आज के ज़माने में क्या बोलते हैं डीएम, तो डीएम बैठा हुआ है तो ये सरकारी कार है और सरकारी कार ये कलेक्टर की कार है इसमें कलेक्टर चलता है कलेक्टर बैठता है इसमें और यहाँ पे ये ड्राइवर है ये देखो ड्राइवर ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा है ये स्टेयरिंग ये स्टेयरिंग को पकड़ के गाड़ी चला रहा है ठीक है तो ये कलेक्टर एक सरकारी गाड़ी है गवर्नमेंट व्हीकल है ये देखो मैं इस पर गाड़ी पे लिख भी देता हूँ इट इज गवर्नमेंट व्हीकल इट इज़ गवर्नमेंट व्हीकल ठीक है ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर ने गाड़ी ठीक से नहीं चलाई और एक आदमी रोड पे चल रहा था है ना उस आदमी को इस कार ने धक्का मार दिया और उड़ा दिया और ये आदमी इंजर्ड हो गया और तीन दिन के बाद ये मर गया तीन दिन के बाद ये आदमी मर गया ठीक है तो जल्दी जल्दी बताओ हुआ क्या है एक गवर्नमेंट व्हीकल एक गवर्नमेंट व्हीकल से एक आदमी का एक्सीडेंट होता है और वो आदमी मर जाता है अब आपको ये बताना है कि इस केस में इस आदमी के मरने के लिए कौन जिम्मेदार होगा ये ड्राइवर जिम्मेदार होगा या सरकार जिम्मेदार होगी चूंकि व्हीकल क्या था गवर्नमेंट व्हीकल जल्दी बताओ अब मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ जल्दी बताइए कहानी समझ में आ गया एक सरकारी गाड़ी से एक आदमी का एक्सीडेंट होता है वो आदमी मर जाता है अब आपको ये बताना है कि लाइबल कौन है वो ड्राइवर सरकारी ड्राइवर लाइबल है या सरकार लाइबल है जल्दी बताओ अब केस का आंसर तो तुम देख नहीं पाओगे चूंकि तुम्हारे पास तो है नहीं है ना बताना पड़ेगा चलिए तन्वी चौहान बोल रही है ड्राइवर लाइबल है कमलेश झा बोल रहा है गवर्नमेंट लाइबल है राहुल अग्रवाल बोल रहा है गवर्नमेंट लाइबल है काजल शर्मा बोल रही है गवर्नमेंट लाइबल है आकांक्षा पातवाल बोल रही है ड्राइवर लाइबल है और ये कौन कौन आया हुआ है किलर गेमिंग बताओ कौन कौन सा स्टूडेंट है मेरा किलर गेमिंग तो किलर किलर केस भी है यहाँ पे वो बोल रहा ड्राइवर लाइबल है उसके बाद अविनाश झा गवर्नमेंट रितिका अग्रवाल ड्राइवर लाइबल है उसके बाद प्रियांशी गवर्नमेंट और बताओ और सारे के सारे बच्चे धर्मेंद्र कुमार गवर्नमेंट जश जुनेजा गवर्नमेंट बंदिता त्रिपाठी ड्राइवर है ना और भी सब बोलेगा तुश्ती मान ड्राइवर शिवानी जैन ये तो हंस रही है देखो इसको तो एक्सीडेंट एक्सीडेंट देख के हंसी लग रही है इसको शिवानी जैन को है ना उसके बाद सिस्टम ऑफ लॉजिक गवर्नमेंट सृष्टि प्रिया ड्राइवर लाइबल है जी के डी एम लाइबल है अरे वाह क्या बात है मतलब डी एम का मतलब सरकारी है वो ठीक है तो तेजस कुमार बोला नॉन सॉवरेन है तो ड्राइवर ही सिर्फ लाइबल होगा अगर ये नॉन सॉवरेन है तो अगर नॉन सावरेन है तो सरकार लाइबल होगी ना अगर सॉवरेन होता है तो सरकार को फायदा होता है ना तो नितिन शर्मा ने बोला कर्म ड्राइवर ने किया तो वही लाइवल होगा आप देखिए गुरु जी सब भी आ गए कर्म उसके बाद हितेश तलरेजा ये दिल का फोटो बना के उसने प्लस लिख दिया ये क्या है उसके बाद मानसी अग्रवाल ड्राइवर काजल शर्मा को तो हंसी आ रही है खूब और शिवानी जैन कह रही है सर ड्राइंग देख के हंसी आ रही है <laughs> मोना अग्रवाल गवर्नमेंट लीगल हैकर गवर्नमेंट क्योंकि ड्राइवर गवर्नमेंट की है ठीक है जी तो सबके अलग अलग सोच हैं तो मैं अब आंसर बताऊंगा पहले मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा तुमको आंसर निकालना उसमें से ठीक है चलिए जी अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो देखिए आप लिखा द ड्राइवर ऑफ अ गवर्नमेंट जीप तो वो कार नहीं थी क्या था एग्जैक्टली जीप विच वॉज बीग यूज बाय द कलेक्टर ऑफ उदयपुर है ना कलेक्टर ऑफ उदयपुर ऑन द प्योर सरकारी व्हीकल था ही नॉक डाउन अ पर्सन वॉकिंग ऑन द फुटपाथ बेचारा फुटपाथ पे चल रहा था बाय द साइड ऑफ अ पब्लिक रोड बेचारा साइड में चल रहा था फिर भी उसको साइड में जाके उड़ा दिया उसके बाद उसको इंजरी हुई और तीन दिन के बाद वो बेचारा लास्टली मर गया हॉस्पिटल में मर गया तो जो इंसान मरा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने स्टेट ऑफ राजस्थान मतलब सरकार के ऊपर भी केस कर दिया उस ड्राइवर के ऊपर भी केस कर दिया है ना अब देखिए जो कोर्ट ने फैसला सुनाया वो क्या है इट वॉज फाउंड बाय द कोर्ट एज ए फैक्ट द ड्राइवर वॉज रैश एंड नेग्लिजेंट मतलब ड्राइवर की रैश ड्राइविंग कर रहा था अब कोई साइड में चल रहा उसको जाके उड़ा दिया तो वो क्या एग्जैक्टली exactly? रैश ड्राइविंग है और नेगलिजेंट था तो एक्सीडेंट उसके ड्राइविंग की गलती की वजह से हुई है तो ओनली द ड्राइवर विल बी लाइबल ठीक है तो ट्रायल कोर्ट ने कहा सिर्फ ड्राइवर लाइबल है हाई कोर्ट ने भी जब अपील में केस किया तो हाई कोर्ट ने भी यही कह दिया कि नहीं भाई सिर्फ ड्राइवर ही लाइबल है लास्टली सुप्रीम कोर्ट में जब अपील गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील को डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि ड्राइवर ही लाइबल है तो आंसर इज ड्राइवर तो जल्दी बताओ कितने बच्चे ने ड्राइवर बोला था और कितने बच्चे खुश हैं है ना तो ड्राइवर ही लाइबल है उसका कारण ये है किस एक बात बताइए जो कार गाड़ी चलाई जा रही थी वो देखा जाए तो वो सॉवरेन फंक्शन है सरकारी गाड़ी है उस पर डी चल रहा है तो वो सॉवरन फंक्शन है उस केस में सरकार लाइबल नहीं होगी यहाँ पे लाइबल कौन होगा एग्जैक्टली ओनली द ड्राइवर चूंकि ड्राइवर की गलती थी है ना ठीक है तो ये जे के अंदर जो अमेंडमेंट था उसका ये एक्सट्रैक्ट था है ना तो जे का भी अमेंडमेंट हो गया खत्म ठीक है जी तो उस केस में आज मैंने दो अमेंडमेंट्स कराए एस का अमेंडमेंट करा दिया जे जल का अमेंडमेंट करा दिया बच कल क्या गया सिर्फ एस में न्यू इनकॉरपोरेशन प्रोसेस न्यू इनकॉरपोरेशन प्रोसेस ये मैं कराऊंगा कल तो कल है ट्यूसडे एट एट पी एम लाइव तो इसमें सारे बच्चे को आना है और सारे बच्चे को बुला लेना तुम लोग तुम्हारे जितने भी दोस्त वोस्त होंगे सबको बुला लेना सी एस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए भी ज़रूरी है ये सब के लिए ज़रूरी है कंपनी लॉ एंड एस बी सी का है ये है ना तो न्यू इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कल मैं कराऊंगा रात आठ बजे कल स्पेशल सेशन है मेरा टारगेट ये है कि अब मैं जल्दी जल्दी तुम लोगों का अमेंडमेंट करा दूँ जिससे कि तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो ठीक है जी चलिए तो आज का सेशन यहीं तक फिर मिलूंगा अगले सेशन में और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा खुश रहें आप खुश रहें आपका परिवार और कोरोना से बचिए है ना